नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों जहां मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी राजधानी पटना में, तो वहीं आपको बता दें कि लगातार उसके बाद से मौसम जो है शुष्क बना हुआ है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन वहीं अगर किसानों की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा क्षति ओलावृष्टि से किसानों को हो रही है। आम और लीची का जो फसल है वो सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आज भी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार। हालांकि गुरुवार यानी कि आज पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर सहित 11 जिलों में बारिश होने के आसार हैं, जिसकी वजह से दिन और रात का तापमान पूरे प्रदेश में स्थिर रहेगा। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इसका असर तीसरे दिन यानी शनिवार को भी दिखेगा। तो बिहार में इन दिनों लगातार मौसम शुष्क रह रहा है। तापमान जो है वो नीचे नज़र आ रहा है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पूरे प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवा का प्रभाव हरियाणा, राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इसके साथ ही ट्रफ रेखा पश्चिमी बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इससे बिहार के पश्चिमी हिस्से में 11 जिले जो स्थिर हैं उनमें मध्य दर्ज बारिश होने की यानी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं 27 जिलों में मौसम जो है शुष्क रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। आपको बता दें कि आज 11 जिलों में मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में मौसम जो है शुष्क रहेगा। आज ही नहीं, कल शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में गिरावटें दर्ज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने का संभावना बताया जा रहा है, जिसके वजह से मौसम जो है बिहार में बारिश भी हो सकती है और मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार का मौसम इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुहावना कह लें या फिर तापमान में बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों को सबसे ज़्यादा इस मौसम से क्षति हो रहा है, क्योंकि आम और लीची का जो फसल है वो सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि से बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।